मैं नेहा चौधरी नेहा यमी रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज उपमा बनाते हैं तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या लेना है। उपमा बनाने के लिए एक कटोरी सूजी, दो बारीक कटी हुई प्याज, एक चौथाई मटर, मूंगफली, एक चम्मच चना दाल, एक चम्मच उड़द दाल, दो चम्मच काजू, एक चौथाई चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच सरसों दाना, तीन हरी मिर्च, एक नींबू, थोड़ी सी कड़ी पत्ता ली हूँ। मैं इसको घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। उपमा बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें दो चम्मच घी डालते हैं। घी गरम हो गया, मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली ब्राउन हो गया है, अब इसमें काजू ऐड करते हैं। काजू को भी हल्का फ्राई कर लेंगे। काजू और मूंगफली फ्राई हो गया, अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। मूंगफली और काजू को बाउल में निकाल ली हूँ। सूजी फ्राई करने के लिए दो चम्मच घी डाल लेते हैं। घी गरम हो गया, अब इसमें सूजी ऐड करते हैं। सूजी को लो फ्लेम पे चला चला कर अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो और ये अच्छे से पक जाए। सूजी को लो फ्लेम पे भुनने में 6 से 7 मिनट लगेगा। सूजी को भुनते हुए 7 मिनट हो गया है और ये बहुत अच्छे से भुन गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब गैस को ऑफ करते हैं। सूजी को प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उपमा बनाने के लिए प्याज और मटर को फ्राई करते हैं। अब कढ़ाई में दो चम्मच घी डालते हैं। घी गरम हो गया, अब इसमें सरसों के दाने डालते हैं। इसको 1 मिनट पकने देंगे। सरसों का दाना चटक गया, अब इसमें जीरा डालते हैं। अब इसमें उड़द दाल डालते हैं। अब इसमें चना दाल डालते हैं। इनको लो फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे। उड़द दाल और चना दाल उपमा के टेस्ट को बढ़ाता है। ये दोनों ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें मिर्ची डालते हैं। अब इसमें कढ़ी पत्ता डालते हैं। अब प्याज को डालेंगे और इनको अच्छे से भूनेंगे। प्याज को ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो गया, अब इसमें मटर ऐड करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक से प्याज और मटर अच्छे से पक जाएगा। एक मिनट ढककर पका लेंगे।
एक मिनट हो गया है, अब इसको चला लेते हैं। आप देख सकते हैं मटर हल्का पक गया है, अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। जिस कटोरी से सूजी लिए उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी ऐड करेंगे। ढक कर एक बार बॉईल होने देते हैं। पानी बॉईल हो रहा है, अब इसमें सूजी ऐड करते हैं। सूजी ऐड करने से पहले फ्लेम को लो कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सूजी डालकर अच्छे से मिलाएंगे। और इसे 1 मिनट तक ढक कर पकने देंगे। एक मिनट हो गया है, अब इसको चला लेते हैं। ये अच्छे से पक गया, अब इसमें काजू और मूंगफली ऐड करते हैं। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को ऑफ कर लेते हैं। उपमा बनके रेडी है, आप भी इसे एक बार जरूर बनाइए और कमेंट्स में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।